नमस्कार सभी को, जय शंकर, हर हर महादेव। हर वर्ष की तरह महाविशाल दंगल बाबा पीर चटाला जी के पवित्र स्थान पे मिनी स्टेडियम बड़ी ब्राह्मणा में होगा। हर वर्ष सातवें नवरात्रों को वहां पर दंगल होता है, लेकिन इस बार किसी वश कारण से बाबा पीर चटाला जी के इस पवित्र स्थान के साथ मिनी स्टेडियम में जो हर साल दंगल होता है 4 नंबर का, वो नहीं हो पाया है। और कमेटी मेंबर के जितने भी हमारी जनता है जो बाबा पीर चटाला के पवित्र स्थान पर दंगल करवाती आई है, इस बार दंगल होगा 20 तारीख को। जी हाँ, महत्वपूर्ण सूचना है दंगल देखने वाले दर्शकों के लिए। हर वर्ष जो है बड़ी ब्राह्मणा 4 नंबर बाबा पीर चटाला के पवित्र स्थान पर जो दंगल होता है मिनी स्टेडियम में सातवें नवरात्र में होता है, लेकिन इस सातवें नवरात्र को नहीं हो पाया। इस बार दंगल होगा 20 तारीख को। वहां के जितने भी कमेटी के मेंबर हैं सभी ने जनता से अपील की है और क्षमा याचना भी की है कि हर वर्ष जो है सातवें नवरात्र को जो दंगल होता है किसी वश कारण से इस बार दंगल नहीं हो पाया और दंगल जो है आगे चला गया है, वो होगा 20 तारीख को। तो सभी लोगों से अपील है, हम भी जेके चलक के माध्यम से जनता से अपील करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा दंगल देखने के लिए आए और दंगल से आपको काफी ज्यादा सीख मिलती है। आपके परिवार के, आपके बच्चे, यंग उम्र के नौजवान जब दंगल देखने के लिए आते हैं बड़ा उत्साह होता है उनमें। उत्साह के प्रति कई ऐसे नशे करने वाले यंग उम्र के लोग जो उस दंगल को देखते हैं और में काफ़ी ज़्यादा जुनून पैदा होता है और नशा को छोड़कर जो है दंगल के प्रति आकर्षित होते हैं और पहलवान बनने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं और पहलवान बनकर भी दिखाते हैं। एक तरफ हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस नशा मुक्त करने के लिए ड्रग्स माफिया के सफाई कर रही है और एक तरफ हमारे जम्मू कश्मीर के पहलवान और दंगल कमेटी के जनता जो हर वर्ष जम्मू के अलग अलग जगहों पर दंगल करवाते हैं, उनका यही कि एक ही संदेश होता है कि बच्चे नशा को छोड़कर दंगल की तरफ आए, नौजवान नशे को छोड़कर पहलवान की तरफ सीख के लिए आए, पहलवान बने और ताकि हमारा जम्मू कश्मीर नशा मुक्त हो। एक तरफ हमारी सरकार भी नशा मुक्त के लिए काम कर रही है कि नौजवानों को जिस तरीके से कई ऐसे लत लग जाते हैं उसे ड्रग्स माफिया की कब्र खोदकर और ड्रग्स पर रोकथाम लगाकर सफाया कर और कुछ लोग जो पहलवान होते हैं या जितने भी दंगल के कमेटी के लोग होते हैं जो बड़े बड़े अखाड़ा चलाते हैं वो भी हमारे भारत और जम्मू कश्मीर के साथ सहयोग करते हुए नजर आते हैं, पहलवानी अखाड़ा और एक कला सिखाकर ताकि हमारे बच्चे नशे को ना जाए। नशे लाने वाले का सफाया हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस करती है और बुरी संगत और नशा को छोड़कर पहलवान आर्मी की ओर और बड़े अच्छे अच्छे गेमों की तरफ हमारे बच्चे आए, हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें, वो इस ओर लाते हैं हमारे अखाड़े वाले। जो बड़े बड़े अखाड़े हमारे जम्मू में जहां पहलवानी की शिक्षा दी जाती है, एमए स्टेडियम है, बड़े बड़े गेम हैं जहां पर हमारे बच्चे गेम की ओर आगे जाते हैं, खेलकूद की तरफ आगे जाते हैं और नशे से दूर रहते हैं। एक तरफ हमारे भारत के पहलवान हमारे नौजवानों को नशा छुड़वाकर पहलवानी लाइन में लाते हैं और एक तरफ ड्रग माफिया जो ऐसा कार्य करते हैं उसके लिए हमारी सरकार और हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस भी बड़ी बेहतरीन से काम करती है और उनका सफाया करती है ड्रग्स माफिया का। हमारा मुख्य महत्वपूर्ण बात ये थी आज की कि हर वर्ष की तरह सातवें नवरात्रे में महाविशाल दंगल बड़ी ब्राह्मणा 4 नंबर मिनी स्टेडियम में होता था, इस बार नहीं हो पाया और इस बार फिर से दंगल महाविशाल 20 तारीख को होगा
आमंत्रित है जम्मू कश्मीर की जनता को। इस साफ तौर पर बाबा पी चटाला कमेटी के मेंबरान का कहना है, क्षमा याचना भी करते हैं कि इस बारी दंगल जो है आगे हो गया, जो साथ में नवरात्र में होता था वो नहीं करवा पाए। तो मैं सभी लोगों से अपील करूंगा, आप वीडियो को शेयर करें और दंगल देखने के लिए जरूर आए। कई दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिसके कारण जो है मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूं, न्यूज आपके समक्ष नहीं दिखा पा रहा हूं। मैं क्षमा याचना करूंगा। बाबा पी चटाला जी से समक्ष आप माथा टेके और जरूर आए दंगल देखने के लिए। बड़ी ब्राह्मणा 4 नंबर बाबा पी चटाला जी के पवित्र स्थान पे, बिल्कुल ही पुलिस स्टेशन बड़ी ब्राह्मणा के साथ में ही मिनी स्टेडियम में, जहां महाविशाल दंगल होगा, जहां लाखों रुपए के इनाम होंगे। कई इनाम जो हमेशा आप देखते हैं, जहां पर पहलवान अपना दमखम और बड़ी अच्छी कुश्ती दिखाकर और लड़कर जीत कर जाते हैं और लाखों का इनाम जो है वहां से पाते हैं। तो बाबा पी चटाला जी की जय कहें और वीडियो को शेयर करें और महाविशाल दंगल देखने के लिए आप जरूर आए। सभी जनता से अपील है, खास करके बड़ी ब्राह्मणा सांबा डिस्ट्रिक्ट और जम्मू कश्मीर की जनता से। धन्यवाद। जय शंकर।